और मैं उन्हें आश्वस्त भी करता हूँ पार्टी की ओर से, अरे एनडीटीवी यार चेहरा नहीं दिख रहा है, यार चेहरा नहीं दिख रहा है, पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि जब जब कोर्स करेक्शंस की हमें जरूरत पड़ेगी, जब जब विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ सहमत असहमत होते हुए बैठेंगे। दूसरे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी दोहराया था आपके इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, कि किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि यह किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निजी रूप से मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक ना बनने की इच्छा है, ना कभी बनूंगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं, अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं और आश्वस्ति कराता हूं कि जंतर मंतर से भ्रष्टाचार मुक्ति की लड़ाई, अपनी निजता के अहम को छोड़कर बड़े काम की लड़ाई जो हमने शुरू की थी, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, सर्वोच्च बॉडी पीएससी ने जो पार्टी ने निर्णय लिए हैं, कुछ है उनमें से, बाकी को हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए हैं उनके बारे में मनीष आपको बताएंगे। पिछले दो दिन टेबल टूट जाएगी, टेबल टूट जाएगी, उसकी कंधा टूट जाएगा। पिछले दो तीन दिन से जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस सारे उस पर लेके, जो टीवी को देख के, इन सब को देख के जो माहौल बनता हुआ ऐसा लग रहा था चारों तरफ, उस सब के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की। अभी पीएसी की बैठक हुई और दो तीन चीजें उसमें तय हुई हैं, दो महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपके सामने रखा हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीजें और पार्टी को संबंध में, आंदोलन को संबंध में लेकर तय हुई। कि एक तो जो बयानबाजी हुई कुमार विश्वास को लेकर, अमानत ने जो बयान दिया, अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेकर पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो सबको लेके पार्टी की कमेटी बनाई गई है। उसमें पंकज गुप्ता जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं उसको हेड करेंगे और आशुतोष जी और आतिशी उसकी मेंबर होंगी। तो एक तो ये है कि अमानतुल्लाह खान की बयानबाजी को लेके कमेटी जांच करेगी इसको लेके, और उनको सस्पेंड किया गया है तब तक के लिए। दूसरा, कुमार विश्वास को और सक्रियता देने के लिए राजस्थान का प्रभारी पीएससी की तरफ से नियुक्त किया गया है, राजस्थान कुमार विश्वास, ताकि राजस्थान में जो आने वाला चुनाव है वो इनके प्रभार के रूप में लड़ा जा सके, ये वहाँ संगठन पार्टी को खड़ा करें। और बहुत सारी चीजों पे हुआ है जिनका समय समय पे आपको आइडिया जाएगा। थैंक यू। कोठी के बारे में तो कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें सामने रखी है। उनमें कुछ बातें ऐसी हैं कि अमानतुल्लाह को पार्टी से सस्पेंड किया गया है, इसके साथ ही एक कमेटी बिठाई जाएगी और इसके साथ उस पर चर्चा की जाएगी कि अमानतुल्लाह को आगे किस तरीके से उन पर कार्रवाई करनी है। वहीं दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने कहा कि किसी भी बड़े पद की उनको कोई भी उम्मीद नहीं है, वो ना ही सीएम बनना चाहते हैं, ना उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं है। बस वो चाहते हैं कि पार्टी में वार्तालाप होता रहे, संवाद रहे और इसके साथ ही जो पीएससी की बैठक होगी इसमें इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो अमानतुल्लाह के जो बयानबाजी है उस पर जांच होगी। इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि कुमार विश्वास राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसका प्रभार संभालेंगे। पार्टी से सस्पेंड किया गया है अमानतुल्लाह को उनकी बयानबाजी के चलते। कुमार विश्वास के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ कुमार विश्वास को राजस्थान का जो चुनाव होने वाला है उसका प्रभार संभाला गया है। और जो कुमार विश्वास पर अमानतुल्लाह ने बयानबाजी की थी उसको लेकर ही उन्हें सस्पेंड किया गया है। और पीएससी की जो बैठक होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि अगली उन पर कार्रवाई क्या होती है।
कुमार विश्वास को राजस्थान का जिम्मा सौंपा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और अमानतुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से, उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की गई है। इसके साथ ही अमानतुल्ला ने जो बयान दिया था उसकी जांच भी की जाएगी। पीएसी नाराज बताई जा रही है अमानतुल्ला से, और कुमार विश्वास राजस्थान के प्रभारी होंगे चुनाव के लिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट है और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अब अमानतुल्ला पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले सवा दो घंटे से ज्यादा वक्त से पीएससी की बैठक चल रही थी और कुमार विश्वास कल से लगातार अपनी मांगे दोहरा रहे थे कि जब तक अमानतुल्ला जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, इसके साथ ही जो करप्शन सहित तमाम चार्जेज हैं उनको लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करती जो है जब तक पार्टी, तब तक वो जो है मानने को तैयार नहीं है। और आखिरकार कहीं ना कहीं केजरीवाल और उनके तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं उन्होंने ये कुमार विश्वास की मांगों को मान लिया और इसी के लिए जो तमाम आरोप थे कि आम आदमी जो मतलब जो आम आदमी जुड़ा हुआ है उसकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, करप्शन को लेकर कोई टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, इन सब चीजों को लेकर एक कमेटी का ऐलान किया गया है। उन कमेटी में तमाम उन असंतुष्ट एमएलए को भी शामिल किया गया है जो माना जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी से अलग हो सकते हैं या उनसे नाराज चल रहे हैं, और उसके साथ ही अमानतुल्लाह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कुमार विश्वास की बड़ी जीत है और किसी तरीके से कोशिश की गई है कि कुमार विश्वास नाखुश ना हो या फिर पार्टी से अलग ना जाए। तो फिलहाल ये गतिरोध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी पीएससी की बैठक में तमाम और फैसले हुए हैं जिनके बारे में पार्टी थोड़ी देर में बताएगी, लेकिन जो लबोलबाव है पूरी इस बैठक का कि कुमार विश्वास मान गए हैं, फिलहाल अमानतुल्लाह को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही तमाम आरोपों को लेकर एक कमेटी का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी बातें थी जो इस पीएससी की बैठक से निकलकर सामने आई है। और हम सुबह से कह रहे हैं लगातार कि तीन अहम शर्तें रखी थी कुमार विश्वास ने पीएससी की बैठक में कि आप करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाइए, आप आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए और इसके साथ ही अमानतुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो लगभग तीनों मांगे मान ली गई हैं। तो ऐसे में कुमार जी, एक और चीज ब्रजेश आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे खबरें आई अभी कुमार विश्वास ने भी ये बात सामने रखी कि जो हम जंतर मंतर से एजेंडा लेकर चले थे, कोई गलत बयान देगा तो पार्टी का बहुत अच्छा ये कदम है, हम इसका बहुत बहुत सब भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और सभी दोस्तों को साथ रहने का एक आह्वान करते हैं कि आम आदमी इकट्ठे रहे। देखिए, आम आदमी पार्टी विचारधारा की पार्टी थी, आज उस विचारधारा की जीत हुई, उस वॉलंटियर की जीत हुई और वॉलंटियर अब दुगने वेग से आगे बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी अब उस परचम को लहराएगी जिसके लिए वो बनी थी। ये हमारी पार्टी थी, एकता और अखंडता को बहुत मजबूत करता है, कार्यकर्ताओं का भरोसा दोबारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जीतने की कोशिश करी है और हम लोग इस पार्टी से विधायक थे उनको हटाया गया है, क्या कहेंगे? देखो, अभी जो भी पीएसए जो भी निर्णय लिया है सारे कार्यकर्ता खुश है, सारी पार्टी खुश है और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, उसी लड़ाई को लड़ना है। पार्टी एक है, पूरी पार्टी एक है, पीएसी ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोपरि डिसीजन है और सारे कार्यकर्ता खुश है, सारी पार्टी खुश है। डिसीजन सही है, उसके बाद बिल्कुल डिसीजन, बिल्कुल डिसीजन है, पार्टी एक है, पार्टी एक थी, एक रहेगी। आप लोग बताइए, आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन जी, ये पार्टी के विचारों की जीत हुई है और जब जब पार्टी के विचारों में कमी आएगी हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता आवाज उठाते रहेंगे और ये पार्टी की जीत है, पार्टी के विचारों की जीत है, आंदोलन की जीत है। अमानतुल्ला जी डिमांड कर रहे थे, आप जितने भी कुमार सपोर्टर्स थे सब लोग कह रहे थे अमानतुल्ला बाहर हो गए, अब अमानतुल्ला बाहर हो गए, क्या पार्टी एक रहेगी? पार्टी एक रहेगी, पार्टी में विचारधारा का जो है वो सम्मान हो रहा है, कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और ये पार्टी से मजबूत होकर उभरेगी। मैं यहाँ पर पीएससी की टीम को और अपने पूरे शीर्ष स्तर को बधाई देना चाहूंगा, मामले को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और उसमें जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ हुआ। यहाँ से पार्टी को अब आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है, कार्यकर्ता दोबारा एकजुट है। ये लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जो जिंदाबाद है लाखों कार्यकर्ताओं के लिए जिंदाबाद है। अभी जो पार्टी ने फैसला लिया है इससे सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता फिर से एकजुट होंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और सब एक साथ है, सारे नेता हमारे एक साथ है। जिंदाबाद।
तो ये कुछ तमाम समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, जो कह रहे हैं पार्टी एक थी, एक है और एक ही रहेगी। मैं वापस रुक करूंगी ब्रजेश का। ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कुमार विश्वास ने भी बात सामने रखी कि जो जंतर मंतर से मुद्दा लेकर आगे चले थे, जो हमने बात कही थी कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, क्या उसी एजेंडे पे हम आगे चलते रहेंगे और आपस में जो बातचीत है उसकी जरूरत है, बातचीत से सब चीजों को सुलझा लेंगे, तो क्या हम ये समझे कि जो कला चल रही थी पार्टी के अंदर, जो सामने चीजें रख के आ रही थी, तो क्या वो सुलझ गई है? देखिए बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पीएससी की बैठक में जितने दबदबे के साथ कुमार विश्वास ने अपनी बातें रखी, और पार्टी को भी लग रहा था कि कुमार विश्वास के साथ एक आम आदमी का एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है, क्योंकि वो कहीं हाशिए पर चला गया था और कुमार विश्वास उनकी बात कर रहे थे, जिनको लेकर के आंदोलन हुआ, जिनको लेकर के उस आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी और जिस आइडियोलॉजी के साथ पार्टी बनी थी, आज वो आइडियोलॉजी कहीं दूर चली गई और इस आवाज को उठा रहे थे कुमार विश्वास तमाम अपने वीडियोज के जरिए, तमाम अपने इंटरव्यूज के जरिए, वो कहीं ना कहीं पार्टी फोरम के बाहर जाकर के आवाज उठा रहे थे और पार्टी को तगड़ा नुकसान हो सकता था, और उसी के कहीं ना कहीं देखते हुए पीएसी की बैठक में उनकी सारी बातें मानी गई हैं। एक कमेटी का ऐलान किया गया जो अमानतुल्लाह ने आरोप लगाए हैं उसकी भी जांच करेगी, और खास करके एक महत्वपूर्ण अपडेट और है कि राजस्थान के प्रभारी पहले मनीष सिसोदिया बनाए गए थे, लेकिन अब कुमार विश्वास राजस्थान के प्रभारी होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको दायित्व भी दिया गया है, क्योंकि कई बार माना जा रहा था कुमार विश्वास को हाशिए पर पार्टी के बड़े नेता ले गए हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, तो उन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही अमानतुल्लाह को भी पार्टी में जो एक सोच विचार का प्रोसेस शुरू हुआ था, सबसे पहले तो मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के प्रति शुभचिंता रखने वाले सभी लोगों को, अपने सारे पदाधिकारियों को, विधायक मंत्री उन लोगों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि वे इस समय पर, ऐसे समय पर पार्टी के साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, और मैं उन्हें आश्वस्त भी करता हूं पार्टी की ओर से, आश्वस्त करता हूं कि जब जब कोर्स करेक्शंस की हमें जरूरत पड़ेगी, जब जब विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ सहमत असहमत होते हुए बैठेंगे। दूसरे मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी दोहराया था आपके इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, कि किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि यह किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निजी रूप से मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक ना बनने की इच्छा है, ना कभी बनूंगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं, अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं और आश्वस्ति कराता हूं कि जंतर मंतर से भ्रष्टाचार मुक्ति की लड़ाई, अपनी निजता के अहम को छोड़कर बड़े काम की लड़ाई जो हमने शुरू की थी, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी।